एलनाबाद उपचुनाव को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल ने भले ही अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी हो, मगर बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस ने चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों की लिस्ट जरूर बना ली है, मगर अभी तक किसी एक नाम पर मोहर नहीं लगाई है। तो वहीं भाजपा में इस वक्त 17 नेताओं की जो लिस्ट तैयार की गई है, उनमें सबसे ऊपर नाम गोविंद कांडा का दिखाई दे रहा है। हाल ही में बीजेपी में शामिल होने के बाद गोविंद कांडा मंगलवार को दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा मुख्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी से मुलाकात कर टिकट की दावेदारी पेश की। मुलाकात के बाद गोविंद कांडा ने साफ किया है कि बीजेपी की जो लिस्ट फाइनल हुई है उनका नाम उसमें शामिल है। और हमारे हरियाणा के प्रभारी जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई है, और एमपी साहब भी थे, सुनीता दुग्गल जी, और मैंने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, तो मैंने उनसे। सर, इस सीट की बात करें तो 17 लोग पहले ही अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं, और आप जिस तरीके से, मैं भी उन 17 में हूँ। रविवार को आप शामिल हुए हैं बीजेपी में, और एकदम से ऐन वक्त बड़ी मजबूत दावेदारी आपकी मानी जा रही है। देखिए, अगर मुझे बीजेपी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और उनका आशीर्वाद मुझे मिला, तो एलनाबाद में की बार जरूर कमल खिलेगा। कितनी चुनौती मानते हैं इस चुनाव? मैं ऐसी कोई चुनौती नहीं मांगता, क्योंकि हमारी जो समाज सेवा और एक जो विकास का मुद्दा मेन है, वो एलनाबाद के हलके के हर मतदाता जानता है कि अगर ये आएंगे तो हमारे इलाके का विकास भी होगा और एक समाज सेवा भी आएगी, तो मैं ऐसा कोई नहीं मानता। इस दौरान सिरसा से बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल और बीजेपी प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। सांसद सुनीता दुग्गल का मानना है कि इस बार एलनाबाद में कोई चुनौती नहीं है। जी ने कल जो है हमारे जिले में, हमारे जो जिले के महामंत्री हैं उनके समक्ष जो है अपना भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। आज वो हमारे केंद्रीय मुख्यालय में यहाँ आकर हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, और हमारे जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े जी, और हम सबसे मुलाकात के लिए वो यहाँ पर आए हैं, और जो है और सबसे मुलाकात उन्होंने की है, और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि वो भी इच्छुक हैं, तो जो हमारा पैनल बनेगा उस पैनल पे जो है जो शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का कैंडिडेट जो है वो मैदान में आएगा। मैडम, एलनाबाद की बात करें तो सबसे अगर इस सीट की बात करें आईएनएलडी का रहा है, बीजेपी क्या इस बार कमल खिला पाएगी? बिल्कुल कमल खिलाएगी वहाँ पर, क्योंकि आप ये देखिए कि एलनाबाद से जो विधायक रहे उन्होंने जिस बात को लेकर इस्तीफा दिया, आज वस्तु स्थिति में कोई अंतर नहीं है। तो जब वस्तु स्थिति में अंतर ही नहीं है तो लोगों को क्या जवाब देंगे कि अब वो क्या नया ऐसा हो गया कि अब वो दोबारा से चुनाव मैदान में आ गए? कल को अगर वो फिर से विधायक बन जाते हैं तो क्या उसके बाद फिर से वो इस्तीफा दे देंगे? तो मुझे लगता है कि उन्होंने मजाक बना के रख दिया है चुनाव को, और बार बार वहाँ पर उपचुनाव होते हैं, और आप ये देखना कि INLD ही करवाती है उपचुनाव, और वहाँ के लोगों को वो फॉर ग्रांटेड लेती है, उन लोगों को कुछ समझती नहीं है। आप देखिए, उनके पिताजी जो हैं उन्होंने उचाना से और एलनाबाद से चुनाव लड़ा था, और उसके बाद उन्होंने यहाँ वहाँ से इस्तीफा दे दिया और उचाना को उन्होंने अपने पास रखा। जिस तरह से गोविंद कांडा ने एलनाबाद उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी का दामन थामा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट में टॉप पर हैं। वरना ये मुलाकातों का दौर दिल्ली तक इतनी जल्दी शायद नहीं पहुंच पाता। अब देखना होगा कि क्या वाकई में बीजेपी गोविंद कांडा को ही अभय के सामने मैदान में उतारती है, या किसी और विकल्प पर विचार करेगी। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।